रवि तो बहुत अच्छा दोस्त था मेरा अच्छा दोस्त है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक डेढ़ साल हो गया हम हमारे मिले हुए, यहीं पे रहता था, हम सब साथ में पढ़े, साथ में बड़े हुए। ये पोल उसकी जान थी, जान इसलिए थी क्योंकि वो फोटोग्राफी का बहुत पागल दीवाना था। फोटोग्राफी उसका एक पैशन था, वो हमेशा फोटोग्राफ इधर उधर हर एक पोल की, हमारे पोल की, दूसरे पोल की खींचता ही रहता। उस वो हमें हमेशा बातों में ऐसा कहता था कि आप देखना, मैं एक दिन कुछ करके दिखाऊंगा। यही उसका पैशन था, फ़ोटो खींचते 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 उसकी उम्र निकल गई और एक दिन ऐसा आया कि उसको यहाँ से जाना पड़ा। बिकॉज उसकी जो जीवन था वो इसकी वजह से, उसकी ये पागलपन की वजह से थोड़ा फाइनेंशियली वो वीक हो गया, उसकी वजह से वो वहाँ से जाना पड़ा। एक डेढ़ साल से हम मिले भी नहीं हैं, पता भी नहीं है वो कहाँ है। मुझे भी आज आपका ये फ़ोटो देखकर मुझे भी लग रहा है कि शायद काश आज वो यहाँ पर होता तो उसकी ये फ़ोटो की कदर देखकर वो कितना खुश होता। होप सो, हम ऐसा चाहते हैं कि वो मिल जाए, तो हम मिलकर ढूंढेंगे उसे। चलिए, तो अभी कहाँ मिलेगा मुझे, मुझे उसे बताना है कि ये क्रेडिट उसके फेवर में। शायद मैंने सुना है कि वो कुछ शाह की पोल के पास है शायद। रवि पटेल, हाँ हूँ रवि पटेल, मैं धीरेन, मैं एक अहमदाबाद की कल्चर पे एक रिसर्च कर रहा हूँ। ओके। और उसके रिलेटेड मैंने एक बुक लिया था, वो बुक में से मुझे आपकी ये फ़ोटो मिलेगी। अभी वो रिसर्च में मेरा ये फ़ोटो सिलेक्ट हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे इसकी रेटिंग बहुत हाई हो गई है और मेरे को लगा कि इसका पूरा क्रेडिट आपको जाना चाहिए। ये एक्चुअली फ़ोटो मेरी फैन है, मैं आपके पुराने फोन में गया था जहाँ मैं आपका फ्रेंड तेजस मिला था। तेजस, अरे वो तो मेरा लंगोट है यार, वो क्या कर रहा है? बस वो भी मजे में है, आपको बहुत याद कर रहा था। उसने मेरे को आपका बताया कि आप यहाँ पे मेरे को मिलोगे।
उसने मेरे को ये भी बताया कि आप पहले फोटोग्राफी का शौक रखते थे। हाँ, बहुत शौक था मेरे को, मैं हर एक फूल की फोटो खींचता था, मगर शायद कुदरत को मंजूर नहीं होगा। अरे मेरा फोटो इंटरनेशनल मार्केट में सिलेक्ट हो गया, और मैं ये चाहता हूँ कि इसका पूरा क्रेडिट आपको जाना चाहिए। मेरे फोटो को मैं आज इतना खुश हूँ, पर आपको कांग्रेस नहीं कर सकता, थैंक यू।